गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है बेटा मेरी अब तक? यस सर। यस सर। देखिए बेटा, कल हमने टॉपिक शुरू किया था अवकलन का। बताया था मैंने कि अब हम कुछ अवकलन, बेसिक अवकलन और बेसिक समाकलन सीख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने दो लेसन कर लिए आपके सर। एक तो आपने विमा लिखना सिखाया, विमा, मात्रक और उनके उपयोग बता दिए, त्रुटियां बता दी थी, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर था पूरा करवा दिया। इसके बाद में बेटा एक चैप्टर मैंने और करा दिया है। क्या है सर वो? पूरा सदिशों का करा दिया आपने। सदिश क्या है, सदिशों के प्रकार, फिर सदिशों का योग करना, वैकलन करना, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल पूरा बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करें, उसके पहले हमें सर अवकलन और समाकलन सीखने पड़ेंगे। देखो आगे वाले जो चैप्टर्स है उसमें हम अवकलन भी यूज करने वाले हैं, उसमें हम समाकलन भी यूज करेंगे। तो आपको दोनों ही आने चाहिए, अवकलन भी पता होना चाहिए, समाकलन भी पता होना चाहिए, तभी हम उस चैप्टर्स में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपको अवकलन करना नहीं आता या आपको समाकलन करना नहीं आता तो सर बहुत सारे आर्टिकल है जो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले बेसिक सीखो। और अवकलन समाकलन तो बेटा इलेवंथ में नहीं, पूरे इलेवंथ क्लास में तो काम आ ही रहे, पर पूरी ट्वेल्थ क्लास में भी आपको अवकलन समाकलन काम आते रहेंगे। जो भी कोई डेरिवेशन चल रहा है, आर्टिकल चल रहा है, तो कभी हम अवकलन करेंगे, कभी हम समाकलन करेंगे। तो अवकलन भी आपको करना आना चाहिए और समाकलन भी आपको करना आना चाहिए। अवकलन पे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता। फिजिक्स में जब कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई डेरिवेशन आप कर रहे हो, कोई आर्टिकल आप कर रहे हैं, तो उस आर्टिकल या डेरिवेशन के बिटवीन आपको इंटीग्रल या डिफरेंशियल का यूज करना पड़ता है। कोई न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल की ड्यूरेशन में भी हम डिफरेंशियल या इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो अवकलन और समाकलन आपको 100% आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो हम बेटा अवकलन हमने शुरू कर दिया था आपके लिए सर। हाँ बेटा सही है, आपने पढ़ा जहाँ सदिशों के प्रकार, समान सदिश, समान सर। कॉफी में करने हैं क्या है? मैंने सर रफ कॉफी में किए थे तो सर ने रफ में नहीं बेटा, फेर में करने हैं। रफ में क्यों करोगे? सब किए थे मैंने पहले, सब बनाए नहीं थे कॉफी मैंने पहले। नहीं बेटा है ना, डायरेक्ट फेयर, सारा काम फेयर होना चाहिए बेटा। जितने भी चैप्टर हो रहे हैं उनके फेयर नोट्स है ना रेगुलरली बनाते रहो बेटा आप लोग, है ना। वेट नहीं करना बेटा, ध्यान रखना ये चैप्टर दोबारा से, जब आप ऑफलाइन स्कूल शुरू होगा तो ये चैप्टर दोबारा नहीं होंगे। आपके पास सारे नोट्स बने हुए होने चाहिए, ढंग से बने हुए होने चाहिए, क्लियर। तो एवरीडे के नोट्स एवरीडे बनाओ बेटा। चलो कंटिन्यू करें सर। जो आप नोट्स लेते हो उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अवकलन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अवकलन। और अवकलन में देखो बेटा, हमने तीन फॉर्मूले आपको बता भी दिए थे। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर वन सर क्या था? सर घात का सूत्र था। घात का सूत्र बोलते हैं इसे, अवकलन का पहला सूत्र कौन है सर? घात का सूत्र था। क्या यूज किया था सर? इसमें ये होता है सर, डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन हो। सर x की पावर n है, घात के रूप में फंक्शन दे रखा है, तो सर हम इसका अवकलन कैसे करेंगे? d अपॉन डी एक्स, x की पावर n है, तो सर हम इसका अवकलन कैसे कर सकते हैं या कैसे करेंगे? तो सर क्या करना है सर? बहुत सिंपल है सर, जो भी पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आएगी। जो भी पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आएगी और सर एक पावर हम कम कर देंगे n माइनस वन। जो भी घात है सर वो गुणा में आती है तथा एक पावर हम कम कर देंगे। जो भी पावर है सर वो गुणा में आएगी, सर हम एक पावर कम कर देंगे। सर यही है घात का सूत्र। घात का पहला सूत्र क्या है सर? x की घात n, तो जो भी घात है वो गुणा में आती है और सर एक घात हम कम कर देंगे। एक घात हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो सर ये हमारा घात का सूत्र है। सर मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया था आपको सर, फॉर एग्जाम्पल सर x की घात 5 का अवकलन करें
तो सर क्या होता है, सर बताया था आपने कि सर जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आएगी और सर एक पावर हम कम कर देंगे। जो भी पावर है किसमें आएगा सर, मल्टीप्लाई में एक पावर कम करो तो सर 5 आगे जाएगा और x की पावर क्या आएगा सर, 5 - 1। 5x की पावर 5 - 1 तो कितना आएगा सर, ये आएगा 5x4। कितना आएगा बेटा, 5x4 आएगा। तो सर ये घात का एग्जाम्पल था, घात का सूत्र हमने कर लिया था कि सर x की पावर n, तो इसका आकलन क्या होगा सर, जो भी घात है सर वो गुणा में आती है और सर एक घात कम कर देते हैं। जैसे और देख लो आप, d/dx सर x की पावर सर -5 हो तो कैसे करेंगे सर, वही है सर, जो भी पावर है सर वो गुणा में जाएगी और सर क्या होगा, इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है क्या सर, d/dx 1/x^5, ये भी ऐसे आ सकता है। x^-5 लिखा, इसको ऐसे लिख देगा 1/x^5, तो सर 1/x^n का सूत्र नहीं है, x^n का है तो इसको ऊपर लेकर आना पड़ता है, तो x^-5 हो गया सर। इसका आकलन करो तो कैसे करेंगे सर, जानते हैं सर, जो भी घात है वो आगे जाएगी और एक घात हम कम करें सर, कौन है -5, तो -5 आगे चला जाएगा और एक घात कम करो सर -5 - 1, तो कितना आएगा, तो ये आएगा -5 और x^ क्या है सर, समान जो है जुड़ेंगे तो -6, तो या इसको लिख दो -5/x^+6। इसको नीचे लेके चले जाओ तो x^ कितना आएगा, +6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने घात का सूत्र आपको यूज करना बता दिया था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर। जो भी पावर है, जो भी घात है, जो भी पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आती है और सर एक पावर हम कम कर देते हैं, एक पावर हम कम कर देते हैं, तो ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला देखो क्या है, सेकंड फॉर्मूले की बात करो, अगर सेकंड फॉर्मूले की हम बात करें तो क्या है सर, बताया था आपने कि प्रत्येक कॉन्स्टेंट राशि का जो अवकलन है, कॉन्स्टेंट राशि का अवकलन सदैव जीरो होता है, चाहे क्वेश्चन। हाँ बेटा क्या कहा सर, कॉन्स्टेंट राशि का अवकलन सदैव क्या होगा बेटा, जीरो होगा, चाहे किसी के सापेक्ष भी निकाल लो आप, चाहे किसी के सापेक्ष भी निकाल लीजिए, कॉन्स्टेंट राशि का अवकलन सदैव क्या होता है, जीरो होता है सर। कॉन्स्टेंट कौन सर, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, जिसका मान कांस्टेंट हो है ना, चेंज नहीं होता हो, जिसका मान चेंज होता है वो कहलाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। जिनका मान कांस्टेंट नहीं, फिक्स नहीं है उनका मान, जैसे मैंने कहा सर एक्स, एक्स का मान तो सर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो बोलेंगे सर एक्स इज डज नॉट कांस्टेंट। ये क्या है सर, ये तो वेरिएबल है, एक्स तो कौन है सर, एक वेरिएबल क्वांटिटीज है सर, वेरिएबल है, इसका मान तो कुछ भी हो सकता है। पर हमने कहा सर, केवल बोला 5, फिर बोला 7, फिर बोला 100, सर ये सारे यार क्या है सर, कांस्टेंट है। 5, 7, 100, 200 जितने भी नंबर सिस्टम है, जितने भी नंबर्स हैं सर, वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जो संख्या है सर, उसका जो डिफरेंशियल है, चाहे वो किसी के सापेक्ष भी आप निकालें, चाहे किसी के सापेक्ष भी हम निकालें सर, कितना आएगा सर, जीरो आता है। कितना आता है सर, जीरो आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर, 5 का डिफरेंशियल कितना होगा, जीरो, क्यों सर, 5 इज कांस्टेंट। फिर हमने कहा सर 7 का डिफरेंशियल कितना सर, जीरो होगा, 7 इज आल्सो कांस्टेंट। जैसे कई बार ऐसे भी आता है सर, ए विल बी कांस्टेंट, उसने कहा हेयर ए इज कांस्टेंट, उसने कहा हेयर ए इज कांस्टेंट, वो खुद बोलेगा आप कि हेयर ए इज कांस्टेंट, अब उसने कहा ए कांस्टेंट है, तो सर कांस्टेंट है तो सर उसका आकलन क्या होगा, जीरो होगा। चाहे x के सापेक्ष करेंगे तो भी जीरो आएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो आप सेकंड आर्टिकल ध्यान रखो कि प्रत्येक कांस्टेंट संख्या का, कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट संख्या है, कोई कांस्टेंट फलन है सर, उसका आकलन सदैव क्या होता है, जीरो होता है। तो दो फॉर्मूले हमने बताए आपको सर, एक तो बताया घात का सूत्र क्या होता है सर, कुछ नहीं, जो भी पावर है एक्स की घात एन सर, उसका आकलन क्या होगा सर, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी और सर एक पावर हम कम कर देंगे सर, जो भी पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आती है और सर एक पावर हम कम कर देते हैं। दूसरा सर, सेकंड ये रहा सर, प्रत्येक कांस्टेंट राशि का आकलन क्या होता है, जीरो होता है। प्रत्येक कांस्टेंट राशि का आकलन क्या होता है सर, जीरो होता है। अब आगे बढ़िए बेटा, आगे तीसरा क्या है सर, थर्ड फॉर्मूला क्या है कि सर, अगर ब्रैकेट में दो फंक्शन हो,
जहां हम अवकलन कर रहे हैं, अगर आपने देखा सर ब्रैकेट में सर दो फंक्शन है सी और एफ एक्स, क्या है सर? सर ब्रैकेट में दो तरह के फंक्शन है, ठीक है, एक कौन है सी और एक कौन है एफ एक्स, ब्रैकेट में दो फंक्शन है, पर क्या देखा कि सर दो में से एक तो क्या है कॉन्स्टेंट है और सर एक क्या है वेरिएबल है। आप क्या देख रहे हैं सर? ब्रैकेट में दो फंक्शन है, ब्रैकेट में क्या बेटा दो फंक्शन है, ब्रैकेट में कितने फंक्शन है बेटा? दो फंक्शन है, उनमें से एक तो क्या है कॉन्स्टेंट है और एक क्या है वेरिएबल है, एक क्या है कॉन्स्टेंट और एक क्या है वेरिएबल है। तो सर क्या करेंगे सर? इसका अवकलन करते समय ध्यान रखो सर, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो और अंदर वाले का अवकलन करना है। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है, ये अवकलन का तीसरा फॉर्मूला है। क्या है कि सर ब्रैकेट में दो फलन है, ब्रैकेट में दो फंक्शन है, पर क्या देखा आपने सर? दोनों में से एक तो क्या है कॉन्स्टेंट और एक क्या है वेरिएबल। देखो हेयर सी इज कॉन्स्टेंट, हेयर सी इज कॉन्स्टेंट और एफ एक्स कौन है सर? ये तो एक्स का फलन है, एक्स बदलेगा तो एफ एक्स का मान बदलेगा, तो एफ एक्स क्या है सर? वेरिएबल फलन है। एफ एक्स कौन है सर? वेरिएबल है। तो सर ब्रैकेट में दो फलन है, एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे सर? सिंपल सा है सर, कॉन्स्टेंट नंबर को बाहर निकालेंगे सर, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, अंदर जो वेरिएबल है सर उसका अवकलन कर देंगे, उसका क्या कर देंगे सर? अवकलन कर देंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट को वहां निकालो और अंदर वाले का क्या कर दो? अवकलन कर दो। तो सर ये आपका कौन सा फंक्शन है सर? ये आपका दूसरा फंक्शन, सॉरी ये कौन सा है सर? आपका तीसरा फॉर्मूला है सर। इसका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो कैसा है सर। एग्जाम्पल ये आ गया, सपोज करो ये आया सर डी अपॉन डी एक्स और ये आया सर फाइव एक्स फोर। क्या आया सर? फाइव एक्स फोर। सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो आप देखो सर ब्रैकेट में दो फंक्शन है, ब्रैकेट में दो फंक्शन है, एक क्या है कांस्टेंट और एक क्या है वेरिएबल। एक तो बेटा क्या है कांस्टेंट है सर, कौन है? फाइव। ये फाइव क्या है सर? कांस्टेंट है। और सर ये कौन है? एक्स की पावर फोर। तो सर एक्स की पावर फोर तो क्या है सर? वेरिएबल है। तो देखो एक तो कांस्टेंट है और एक क्या है? वेरिएबल है। एक तो क्या है कांस्टेंट और एक क्या है? वेरिएबल है। तो सर कैसे करेंगे सर? ध्यान रखना कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, कांस्टेंट को बाहर निकालें और अंदर वेरिएबल का क्या करेंगे? अवकलन। सर कौन सा फॉर्मूला से? थर्ड नंबर का। क्या अगर ब्रैकेट में दो फलन हो, दो में से एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो और अंदर वेरिएबल क्या करो? अवकलन कर दो। तो सर देखो यहाँ पे फाइव तो क्या है? कॉन्स्टेंट है और एक्स की पावर फोर क्या है? वेरिएबल है। तो क्या कर सर? कॉन्स्टेंट को बाहर निकालता है। तो देखो कौन सर? फाइव तो बाहर आएगा और किसका अवकलन करना है सर? x की पावर 4 का अवकलन होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर? थर्ड नंबर फॉर्मूला यूज करें सर। ब्रैकेट में दो फलन है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और अंदर जो वेरिएबल है सर उसका अवकलन करेंगे, अंदर जो वेरिएबल उसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो कितना आएगा सर ये? 5 into, अब देखो x की पावर 4 सर इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर शुद्ध लगेगा घात वाला, इसका मुझे x बार 4 का अवकलन करना। कैसे करेंगे सर? देखो आप ये है x की घात 4, तो यहाँ जो फलन है क्या घात के रूप में है? x की पावर 4, x की पावर 7, x की पावर 10, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फलन दे रखा है क्या वो पावर या घात के रूप में है क्या? और अगर घात के रूप में है तो सूत्र कौन सा लगेगा सर? फर्स्ट नंबर का। ये ना सर बता दिया आप, घात का सूत्र हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि सर कोई भी फलन x की पावर n घात के रूप में दे रखा है तो सर उसका अवकलन हम फर्स्ट सूत्र से कर सकते हैं सर। कैसा? कुछ नहीं सर, जो भी घात है वो आगे आती है और सर एक घात कम कर देंगे, तो क्या करें सर? जो भी घात है वो आगे आएगी, जो भी घात है वो आगे आएगी सर। कौन आगे आएगा सर? फोर। कौन आगे आएगा? फोर आएगा। और सर एक पावर कम कर दो तो एक्स की पावर कितना सर? फोर माइनस वन। क्या कहा सर? जो भी घात है वो आगे आएगी और एक घात हम कम कर दें, जो भी घात है वो आगे आएगी और एक घात कम कर दो, तो कौन आगे आएगा? फोर। और एक कम फोर माइनस वन कितना आएगा? थ्री आएगा। फाइव फोर या ट्वेंटी और एक्स की पावर कितना आएगा? ये तो सर हमने आउटलाइन कर दी, इसका सर फाइव एक्स फोर का। किसका उन्होंने किया सर? फाइव एक्स फोर का। तो आई थिंक आपको जो तीसरा फॉर्मूला है वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
जो तीसरा फॉर्मूला है सर वो भी आपको देखो और कर सकते हैं आप इसका एक एग्जांपल और ले लें। देखो क्या है ऐसे दिया उसने, ये भी हो सकता है d अपॉन डी एक्स और क्या लिखा उसमें 7 अपॉन एक्स की पावर 2। सर इसका आकलन करिए, इसका आकलन करो सर 7 अपॉन एक्स की पावर 2, तो आप गौर करें तो सर यहां पर भी थर्ड नंबर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आप गौर करें तो सर यहां पर भी थर्ड नंबर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर कैसे देखो आप गौर कर, सर ये ऐसा है क्या, सर ये है अगर मैं इसको लिखूं तो d अपॉन डी एक्स और क्या है सर ये है 7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप गौर करें देखो क्या है ये, सर ये है 7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और दिमाग लगाओ तो सर यहां पर भी दो फंक्शन है ब्रैकेट में, सर कितने में सर दो फंक्शन है, ब्रैकेट में सर कितने दो फंक्शन है सर, एक क्या है कॉन्स्टेंट और एक क्या है वेरिएबल। आप दिख रहे देखो एक क्या है कॉन्स्टेंट और एक क्या है वेरिएबल है, तो सर यहां हम ये फॉर्मूला फिर से यूज कर सकते हैं क्या सर, ब्रैकेट में दो फंक्शन है एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो सर क्या कुछ नहीं करना सर कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो आप और वेरिएबल का आकलन करो, तो सर कांस्टेंट कौन है 7 और वेरिएबल कौन है सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कौन है सर 7 तो बाहर आ जाएगा और सर आकलन किसका होगा, सर आकलन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आकलन कैसे करें, एक्स स्क्वायर का आकलन कैसे करें तो बताओ यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, अगर आप बताएं तो बताओ कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, बोलो फर्स्ट का सूत्र लगेगा, फर्स्ट फर्स्ट लगेगा, पर बताओ फर्स्ट में तो एक्स की पावर एन है, आप देखो फर्स्ट में एक्स की पावर ले लेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, पर क्या इसको माइनस की पावर एन के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो ये तो सर 1 अपॉन एक्स एन है, तो सर इसको ऊपर लेकर आएंगे, क्या करेंगे इसको ऊपर लेकर आएंगे तो बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा 7 इंटू डी अपॉन डी एक्स और क्या आएगा x की पावर माइनस 2। हम जानते हैं माइनस 2 कि जब किसी फंक्शन को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर जाते हैं तो सर उसका घात का चिन्ह बदलता है, तो x की पावर प्लस 2 था ऊपर आया तो क्या हो गया माइनस 2। अब देखो यहाँ पे घात का सूत्र लग सकता है सर, x की घात n है, देखो तो क्या होता है सर जो भी घात है वो आगे आएगी और एक घात कम कर दो, सर जो भी घात है वो आगे आएगी और एक घात हम कम कर देंगे, तो करिए बोलो कितना आएगा सर, देखो ये आ गया आपका सर 7 तो है इनटू सर पावर कितना सर माइनस 2 तो माइनस 2 आगे आएगा और x की पावर क्या सर माइनस 2 माइनस 1, एक घात कम कर दो सर, एक घात हम क्या करेंगे कम करेंगे, बोलो कितना आंसर आएगा सर, ये आ गया आपका 7 इंटू माइनस 2 और इंटू में कौन है सर x की पावर कितना है सर माइनस 2 माइनस 1 समान से सर जुड़ेगा तो x की पावर क्या आएगा सर माइनस 3 आएगा, x की पावर कितना आएगा माइनस 3, तो टोटल आंसर कितना आया सर 7 2 जा 14 तो माइनस का 14 और सर x की पावर माइनस 3 इसको वापस नीचे लेके आओ तो x की पावर प्लस 3, x की पावर प्लस 3, तो ये लो हमने इसका आकलन भी कर दिया। तो आई थिंक आपको आकलन के तीन फॉर्मूले तो समझ में आ गए होंगे, ज्यादा नहीं की बड़ा सेकंड वाला एक बार दोबारा समझाओ क्या सेकंड वाला, सेकंड वाला दोबारा समझाओ सर एक बार, देखो क्या था सर, ये है 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब इसके दो हैं ये वाला नहीं फिर सर ये सेकंड इसके इस तरफ वाला ये कांस्टेंट वाला, ये हाँ कांस्टेंट वाला, अरे बेटा इसमें तो कुछ नहीं, जो कांस्टेंट नंबर है चाहे 5 हो चाहे 7 हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो चाहे 2000 हो चाहे 500000 हो, जो कांस्टेंट ये न्यूमेरिकल जो नंबर्स होते हैं ना 5, 10, 100 जो अपने काउंटिंग करते हो गिनती काउंट करते हो नहीं करते हो, ये जो सारे नंबर हैं उनका आकलन याद रखो yes, याद रखना प्रत्येक आकलन का प्रत्येक कांस्टेंट राशि का आकलन क्या होता है जीरो होता है, तो 5 क्या है कांस्टेंट इसका आकलन जीरो आएगा, 7 क्या है कांस्टेंट इसका आकलन जीरो आएगा, बस ये ध्यान रखना कुछ ठीक है, इसका कोई प्रूफमेंट नहीं, वैसे इनके प्रूफ बेटा इन सब फॉर्मूलों के प्रूफमेंट भी है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हमें प्रूफमेंट पे नहीं जाना, इतने डेप्थ तक हमें जाना ही नहीं, जब आप 12th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां इसका प्रूफ भी कर रखा है, पर हमें तो केवल मोटे तौर पे ध्यान रखना है, फिजिक्स में हमें जितना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे, बट हमें मैथ्स नहीं पढ़नी यहाँ पे, हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में तो केवल हमें जितना यूज आएगा उतना ही हम यहाँ से उठा लेंगे, तो ये ध्यान रखो कॉन्स्टेंट नंबर का आकलन क्या आता है जीरो वाला, तो 5 क्या है कांस्टेंट आकलन जीरो आएगा, 7 क्या है कांस्टेंट आकलन जीरो आएगा, 100 क्या है कांस्टेंट आकलन जीरो आएगा,
x की पावर 5 है सर, ये कांस्टेंट नहीं है, इसका अवकलन जीरो नहीं कर सकते आप, इसका अवकलन तो करना पड़ेगा सर, किससे? घात के सूत्र से। तो अवकलन हम करेंगे किसका? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट नंबर का अवकलन करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीन फॉर्मूले आ गए, सबसे पहले घात का, सर जो भी घात है वो आगे आती है, एक घात हम कम कर देते हैं। दूसरा क्या है? कांस्टेंट राशि का अवकलन जीरो होता है। तीसरा क्या है सर? ब्रैकेट में दो फलन हो, एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो, क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर निकालो और अंदर वाले का अवकलन करो। क्या ये तीन फॉर्मूले आपको समझ में आ गए क्या? करीबन 10 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने, 10 से 12 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये फॉर्मूले आप ध्यान रखोगे तो अपने आप अपना काम हो जाएगा। इनके नोट्स में दिए क्या है? इनके नोट्स में दिए क्या वो प्लान के? हाँ, प्रूफमेंट नहीं करना आपको, है भी नहीं अपने यहाँ पे। नहीं सर, नोट्स में दिए क्या वो प्लान के? हाँ है ना नोट्स में सर? नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आज भेज दूंगा ऑर्डर, मैं देख लूंगा, भेजे तो ठीक है, नहीं तो मैं आज भेज दूंगा, ठीक है? Yes, देखो क्या है, अवकलन बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ फॉर्मूले और करेंगे हम लोग सर, कैसे? जैसे साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन का क्या होता है, ये अवकलन और करने हैं। तो देखो इसमें तो हमें डायरेक्ट याद करना है, इसमें तो हमें डायरेक्ट याद करना है कि साइन का अवकलन कोस होता है और कोस का अवकलन माइनस साइन होता है। क्या करना है? कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट हमें याद करने हैं, ठीक है? तो नंबर 4 नंबर फॉर्मूला ध्यान रखो क्या है सर? सर ये है साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, याद कर लो। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस होता है। नंबर 5 सर क्या है? सर कोस का अवकलन क्या होता है? तो ध्यान रखना माइनस साइन होता है, ये लो याद करना फॉर्मूले। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस, और कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन। कैसे ध्यान रखे, ध्यान में रखा जा सकता है, ये कौन है सर? साइन एक्स, ये कौन है? कोस एक्स। तो सर साइन का अवकलन क्या है? कोस, और कोस का अवकलन क्या है? साइन, ये लो याद हो गया। साइन और कोस है तो साइन का अवकलन क्या है? कोस, और कोस का क्या है? साइन। नहीं सर, माइनस साइन है, क्यों? क्योंकि देखो पहली बार हम गए साइन से कोस, हमने अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर ली, क्या साइन का अवकलन कोस है? सही है सर, कोस का क्या है? साइन है, पर दूसरी बार के हमने अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर ली, क्या इसलिए क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। कोस का साइन आएगा तो दूसरी बार दिशा बदल ली तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, ठीक है? तो ये याद कर लिया। सर साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। कोस का अवकलन क्या होगा सर? साइन। कोस का अवकलन क्या होगा सर? साइन होता है सर। ये फॉर्मूले हमने याद कर लिए। इसके बाद में सर 6 नंबर क्या है ये भी याद कर लो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, भी ध्यान रख लीजिए। साइन का अवकलन क्या है? कोस। कोस का अवकलन क्या है? माइनस साइन। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x होता है, ओके। नाउ 7 e की पावर ऐसा क्या होता है सर? e की पावर x ही होता है, और क्या है? डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा सर? एक और ध्यान सर, लोग x का अवकलन क्या होता है सर? 1/x होता है। लोग x का अवकलन क्या होता है सर? सर 1/x होता है, 1/x होता है। इस तरह से आप माइंड यूज करें। तो सर साइन का अवकलन क्या है? कोस। कोस का अवकलन क्या है? माइनस साइन। ई एक्स का अवकलन क्या होता है? ई एक्स होता है। और सर लोग x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। लोग क्या होता है सर? 1/x होता है। ये हमने कर लिया, ठीक है, ये हमने किया है। 4 फॉर्मूले आपको बता दिए, डायरेक्ट याद कर ले, कोई प्रूफमेंट नहीं, कुछ नहीं हमें ध्यान रखना। आप ध्यान कुछ, 3 तो पहले बता दिए आपने, एक तो घात का सूत्र सर, जो भी घात है वो आगे आती है, एक घात कम कर देते सर। दूसरा, प्रत्येक कॉन्स्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है सर? जीरो होता है सर। तीसरा सर, ब्रैकेट में अगर दो फंक्शन हो, दो में एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, तो सर कांस्टेंट को बाहर निकालो, वेरिएबल का अवकलन कर दो सर। 3 बता दिए सर, 4 और लिख दिए आपने अभी, क्या सर? साइन का अवकलन क्या है? कोस। कोस का अवकलन क्या है? माइनस साइन। ई एक्स का अवकलन क्या होता है? ई एक्स होता है।
log x और क्या होता है सर 1 upon x होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए, ये आप ध्यान रख लेंगे। अब आप आगे बढ़िए बेटा, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10, तीन फॉर्मूले और बना रहे, तीन फॉर्मूले और बना रहे, 8, 9 और 10। सर ये फॉर्मूले किसके बना रहे हो? तो देखो अब हम फॉर्मूले बना रहे हैं, एक तो नंबर 8 बनाएंगे, एक नंबर 9 बनाएंगे और एक नंबर 10 बनाएंगे। सर किसका? देखो यहां हम फॉर्मूला बनाएंगे साइन ऑफ ए एक्स का, साइन ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे। सर यहां हम फॉर्मूला बनाएंगे कॉस ऑफ ए एक्स का, और सर यहां फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग ई की पावर ए एक्स का। तो सर साइन ए एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ई की पावर ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ये भी हमें देखना है, ये भी हमें देखना है कि साइन ए एक्स का अवकलन क्या है, कॉस ए एक्स का अवकलन क्या है, ई की पावर ए एक्स का अवकलन क्या है, इनका भी हमें अवकलन देखना है, इनका भी हमें अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे देखो आप। अगर सर ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, देखो ये एक्चुअल में कोई नए फॉर्मूले नहीं है, क्या हमने साइन का फॉर्मूला याद करा? हाँ सर, साइन का अवकलन सर कोस का माइनस साइन होता है, और सर ई एक्स का ई एक्स होता है। तो ये जो तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सर, 19 से हम इन तीन का रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए कोई नए फॉर्मूले नहीं है, बस ध्यान रखना, बस जो तीन हमने याद कर रखे हैं सर, उन्हीं तीन से हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। कैसे? देखो सर साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन क्या होगा, कोस होगा। ये लो देखो साइन का अवकलन क्या है, कोस। तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन क्या होगा, कोस। बस यहाँ पे कौन था, एक्स, तो यहाँ पे कौन आया, एक्स। देखो साइन का अवकलन क्या है, कोस, तो यहाँ भी साइन का अवकलन कोस। यहाँ कौन है, एक्स, तो यहाँ पे कौन है, एक्स, तो यहाँ पे कौन है, एक्स। तो सर यहाँ पर भी कौन आएगा, ए एक्स आएगा। तो ये लो हमने कर भी लिया, कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, सिमिलरिटी में ही है। सर साइन का अवकलन क्या है, कॉस, तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा, कॉस। एक्स है तो क्या आता है, एक्स, तो ए एक्स है तो क्या आएगा बेटा, ए एक्स आएगा। ए एक्स है तो बेटा क्या आएगा, ए एक्स आएगा। आप देखो ठीक है, साइन का अवकलन क्या होता है बेटा, कोस होता है। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है। तो साइन का अवकलन कोस, तो सर यहां भी साइन का कोस। एक्स है तो क्या आया, एक्स, तो ए एक्स है तो क्या आया, ए एक्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर सेम ही है तो फिर नया फॉर्मूला बना क्यों रहे हम लोग? भाई आप देखो वही है, साइन का अवकलन कोस है तो यहाँ भी साइन का कोस, एक्स है तो एक्स आ गया, तो ए एक्स है। तो फिर सर हमें इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो देखो डिफरेंट तो है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है क्या, कि सर यहाँ जो आपने याद तो सर ना साइन का अवकलन कोस है, तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन कोस होगा, एक्स है तो एक्स, तो ए एक्स है तो एक्स। पर ये जो ए कॉन्स्टेंट नंबर है आपका सर, वो यहाँ अंदर तो रहेगा पर ये मल्टीप्लाई में भी आता है, ये जो a है सर वो मल्टीप्लाई में भी आएगा, बस इतना ध्यान रखना। फॉर्मूला तो वही है सर, साइन का अवकलन क्या है, कोस, तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन क्या होगा, कोस। x है तो क्या है, x, तो a x है तो क्या है, ध्यान रखना कि डिफरेंट क्या है सर, ये जो कॉन्स्टेंट नंबर a है सर, जो कॉन्स्टेंट नंबर a अंदर है सर वो बाहर मल्टीप्लाई में भी, बस ये ध्यान रखना, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, याद वैसे करना है। साइन का अवकलन क्या है, कॉस, तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस। मल्टीप्लाई में भी आएगा, क्या फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, 8 नंबर का बेटा ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर, आ गया, आगे बढ़े सर। अब आप कॉस ऑफ ए एक्स की बात करो, इसकी बात करो सर, कॉस ऑफ ए एक्स की बात करिए आप सर, कॉस ऑफ ए एक्स में क्या होने वाला है? तो देखो cos of ax की अगर बात करें तो cos का अवकलन क्या होता है सर, ये रहा सर, cos का अवकलन होता है सर माइनस साइन, cos का अवकलन क्या होता है सर, माइनस साइन होता है। तो सर cos का अवकलन होगा माइनस साइन, cos का अवकलन क्या होता है सर, माइनस साइन होता है। cos का अवकलन कौन है सर, माइनस साइन है, तो सर ये कौन है, cos का अवकलन माइनस साइन, तो सर यहां भी cos का माइनस साइन। पर x है तो कौन है सर, x है तो ax है, तो कौन आएगा सर, ax आएगा। बट बताया ना कि सर फॉर्मूला तो इसके जैसा ही है कि सर साइन का अवकलन क्या है, कोस, तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन कौन है, कॉस।
एक्स है तो कौन है, एक्स तो एक्स है तो कौन है, पर ये एक बाहर भी आता गुणा में, ऐसे याद करो। कोस का अवकलन कौन है, माइनस साइन, तो सर कोस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, पर एक्स है तो क्या आता है, एक्स, तो एक्स है तो कौन आएगा, एक्स पर कौन बाहर आएगा, सर ये कॉन्स्टेंट ए है सर वो मल्टीप्लाई में भी आए, जो कॉन्स्टेंट ए है सर वो मल्टीप्लाई में भी आता है। अब सर नीचे आ जाओ, ई की पावर ए एक्स का करो, ई की पावर ए एक्स का भी करो सर, कैसे करेंगे सर देखो आप, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या है सर, ई की पावर एक्स ही है, तो ई की पावर ए एक्स का अवकलन भी क्या होगा सर, ई की पावर ए एक्स ही होगा, देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर पाई काम कर ली, मैं बता दूं पाई काम कर दे। हाँ बेटा बेटा माइक को म्यूट रखा करो, आप लोग माइक को आप ऑन नहीं करेंगे बेटा, चलिए। तो क्या कहा सर, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो सर यहां भी ध्यान रखो सर, e की पावर ax का अवकलन e की पावर ax ही होगा, e की पावर ax का अवकलन e की पावर ax ही होगा, बस क्या होगा सर, ये a मल्टीप्लाई में भी आएगा। तो इन तीन से हमने नए तीन फॉर्मूले और बना दिए, ये जो हमने तीन फॉर्मूले लिखे थे कि साइन का अवकलन कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, ई एक्स का ई एक्स होता है, तो आप देखो इन तीन से हमने तीन नए फॉर्मूले और बनाए, जबकि तीन नए है ही नहीं, वही है सर, साइन का अवकलन क्या है कॉस, तो साइन का अवकलन क्या होगा कॉस, एक्स है तो क्या है एक्स, तो ए एक्स तो कौन होगा ए एक्स, बस ए मल्टीप्लाई में और लेकर आना है, ऐसे याद करो सर। दूसरा कौन है, कोस का अवकलन कौन है माइनस साइन, तो कोस का अवकलन कौन है माइनस साइन, एक्स है तो कौन है एक्स, तो ए एक्स है तो कौन है एक्स, पर ए गुणा में भी आए मल्टीप्लाई में आए। अब देखो e की पावर x का उन क्या होता है सर, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर ax का उन क्या होता है, e की पावर ax ही होगा, पर a किस में आएगा मल्टीप्लाई में भी आएगा। तो आई थिंक कितने फॉर्मूले आ गए सर, हमने 10 फॉर्मूले कर लिए, कितने फॉर्मूले कर लिए 10 फॉर्मूले कर लिए हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर अपन 11 और 12 भी करेंगे, क्या करेंगे बेटा 11 और 12 फॉर्मूले भी करेंगे। जैसे ये आ गया आपके पास में, क्या आ गया, उसने कहा d अपॉन डी एक्स, और क्या लिखो सर, साइन ऑफ 2x का अवकलन करो सर, साइन ऑफ 2x का अवकलन क्या होने वाला है सर, क्या होगा साइन 2x का अवकलन कितना आएगा, तो सर अभी तो बताया था आपने सर, ये रहा याद करवाया था सर, ये याद करवाया था सर, साइन ऑफ x का अवकलन cos ऑफ x होता है, ये सूत्र याद कराया था क्या सर, यहाँ तो साइन एक्स है सर, वहां टू एक्स है, तो वहां तो सर ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ए एक्स वाला सर, कौन सा सर, साइन ऑफ ए एक्स वाला लगेगा सर, तो सर वो कोई फॉर्मूला अलग थोड़ी है, वो तो वही है, साइन का अवकलन क्या है कोस, तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा कोस, एक्स है तो क्या है एक्स, तो ए एक्स है तो कौन आएगा ए एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा सर कॉस ऑफ ए एक्स, और ए क्या आएगा सर गुणा में, तो ये लो क्या हमने करना सीख लिया है, ये याद नहीं होगा तो भी चलेगा, यहीं से ध्यान रख लिया को, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, साइन का अवकलन क्या होगा कॉस, तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन क्या होगा कॉस, हो गया सर, एक बार दोबारा, एक्स है तो कौन है एक्स, एक्स है तो कौन है एक्स, तो बोलो यहाँ पे कौन है टू एक्स, तो क्या आएगा टू एक्स आएगा, ये लो ये तो याद करा है, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस होता है, तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा कॉस होगा, अब एक्स है तो क्या आता है एक्स, तो टू एक्स है तो कौन है टू एक्स, पर कौन बाहर जाता है सर, जो x के साथ में कांस्टेंट नंबर कौन है दो है, तो दो बाहर आएगा, ये लो अवकलन कर भी दिया, ये यही तो फॉर्मूला है, ये ना साइन ए एक्स अवकलन, तो साइन का अवकलन क्या है कोस, तो सर यहाँ भी साइन का कोस होगा, x है तो कौन है x, तो ए एक्स है तो कौन है ए एक्स, पर कौन बाहर आता है ए, तो देखो वही फॉर्मूला लग रहा है, साइन का अवकलन क्या है कोस, तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन क्या होगा कोस, x है तो कौन है x, तो टू एक्स है तो कौन आएगा टू एक्स, पर कौन बाहर आएगा सर, जो कांस्टेंट कौन है दो, दो बाहर भी आएगा, तो ये लो मैंने अवकलन ऐसे देखो और आ सकता है क्या, प्रयास से आ जाए, साइन ऑफ फाइव एक्स इसका अवकलन करो कितना आएगा, साइन ऑफ फाइव एक्स का अवकलन करो सर, ये भी आसानी से कर सकते सर, कैसे सर, साइन का अवकलन क्या होता है कोस, तो सर यहाँ भी साइन का अवकलन क्या होगा कोस, अब एक्स तो क्या आता है एक्स, तो फाइव एक्स तो क्या आएगा फाइव एक्स आएगा सर, पर कौन बाहर आएगा सर, कॉन्स्टेंट नंबर कौन है फाइव है, तो कौन बाहर आएगा फाइव, ये लो क्या अवकलन करना आ रहा है क्या, अब देखो ऐसे ही अगर ये आ गया तो डी अपॉन डी एक्स क्या आ गया सर, कॉस ऑफ फाइव एक्स आ गया, ऐसा करो अब अवकलन, तो बताओ क्या नहीं कर सकते आप, देखो कोस का अवकलन क्या होता है सर, बता दो दिया आप, ये रहा
सर कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, ये तो याद करवा रखा, ये याद किया ना, ये रहा साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन का अवकलन क्या है कोस, और कोस का क्या है माइनस साइन, माइनस साइन क्योंकि सर डायरेक्शन अपोजिट कर ली, ये तो याद कर रखा सर, ये तो सिंपल है, ये तो सबको याद, और यही पर्याप्त होता है कि कोस का कौन है माइनस साइन, तो देखो कोस का क्या होगा माइनस साइन, हो गया यही याद करना है, कोस का क्या है माइनस, तो सर यहाँ भी कोस का क्या है माइनस साइन, एक्स तो कौन है एक्स, तो सर यहाँ कौन है सर फाइव एक्स है, तो सर यहाँ पे कौन आएगा फाइव एक्स आएगा सर, पर कौन बाहर आएगा फाइव कॉन्स्टेंट, तो ये लो सर फाइव बाहर भी आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस फाइव साइन फाइव एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगाया सर ये वाला डी अपॉन डी एक्स सर कॉस ऑफ ए एक्स, याद कराया भी तो बताया था 90 नंबर का, क्या होता सर कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ कोस का क्या होगा माइनस साइन होगा, एक्स है तो कौन है एक्स, तो एक्स तो कौन आएगा ए एक्स आएगा, पर कौन बाहर आता सर एक गुणा में भी आता, इस तरह इसमें अंतर इतना ही है सर, फॉर्मूला वही है बस, ए क्या है सर अंदर भी रहेगा और मल्टीप्लाई में भी आता है, जो कॉन्स्टेंट नंबर है सर जब भी अवकलन करेंगे सर वो गुणा में आता है, किसमें आता है बेटा वो गुणा में भी आता है, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या समझ में आ रहा है क्या, ऐसे कुछ भी आ जाए आ जाए, सुन लो कॉस ऑफ क्या आ गया सर कॉस ऑफ सेवन एक्स आ गया, तो बोलो कितना आएगा सर कॉस का अवकलन कौन है माइनस साइन, तो सर यहाँ भी क्या होगा माइनस साइन, एक्स है तो क्या है एक्स, तो सेवन एक्स है तो क्या आएगा सेवन एक्स आएगा, पर कौन बाहर आएगा सेवन, कौन बाहर आएगा सेवन, ये थीटा में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है क्या सर डी अपॉन डी थीटा क्या आएगा सर कॉस ऑफ टू थीटा का निकालो, ऐसा नहीं कि हर बार एक्स सापेक्ष अवकलन, एक्स है तो एक्स सापेक्ष अवकलन होता है, वाई है तो वाई के सापेक्ष, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, अब बताओ क्या आएगा सर कॉस टू थीटा कितना आएगा बताइए, बोलो कितना आएगा सर, कोस का क्या होता है सर माइनस साइन, तो कोस का क्या होगा माइनस साइन, एक्स है तो क्या आता है एक्स, तो थीटा है तो क्या आएगा थीटा, तो कितना आएगा सर थीटा है तो थीटा टू थीटा, तो क्या आएगा टू थीटा आएगा, और कौन बाहर आएगा टू, कौन बाहर आएगा टू, तो देखो वही अवकलन है एक्चुअली, मान लो साइन टू एक्स है तो कोस का माइनस साइन, सर कोस का माइनस साइन, एक्स है तो एक्स, तो टू एक्स है तो क्या आएगा टू एक्स, तो टू थीटा है तो क्या आएगा टू थीटा, और कौन बाहर आएगा टू, तो कैसे भी आ सकता है, तो क्या ये समझ में आ रहा है क्या, तो हमने जो फॉर्मूले बताए सर हमको यूज भी कर सकते हैं, जैसे ये आ गया तो सर d अपॉन dx e की पावर 2x का अवकलन करो, इसका नहीं कर सकते, अरे सर कर सकते हैं, ये रहा सर आपने बताया था क्या सर ex का अवकलन क्या होता है सर ex ही होता है, या फिर सर एक और बताया था e की पावर ax का क्या होता है सर, सर यही होता है e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का क्या आएगा सर e की पावर